आज पूर्णिमा है फ्रेंड्स, आज पूर्णिमा है इसीलिए मैं पूजा कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी, और फिर ड्यूटी भी निकलना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु देवाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मदूर्वये नियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मदूर्वये नियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मदूर्वये नियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मदूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मदूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मदूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मदूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मदूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम श्री देवाय नमः। 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संजना भारती के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बहुत हड़बड़ी में बन रहा है क्योंकि मैं आज लेट हूँ, तो आज मैं घर में फटाफट बनाई हूँ नेनुआ की सब्जी, उसको आप देखिएगा उस रेसिपी को। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। आज मेरे किचन में बन रहा है नेनुआ का सब्जी। ये किस तरह से मैं बना रही हूँ ये मैं आज आपको दिखाऊँगी। ये इधर हम लोग इसको नेनुआ बोलते हैं, देखिए इसकी सब्जी मैं आज बना के दिखाऊंगी आपको किस तरह से बनता है हमारे यहाँ। देखिए इस तरह से छील लेना है सारे को, ये छीला हुआ है और ये बगैर छीला हुआ है। इस तरह से मोटे मोटे छील के निकलेंगे और मैं इस छीलने की सहायता से छील रही हूँ। इधर मैं मसाला पाउडर को मैं पूरा मिला के इसमें मसाला भी मैं डाल दी हूँ और इस तरह से पेस्ट बना ली हूँ सूखा रहता है। इधर मेरा प्याज भी भून गया, अब डालूँगी पहले आलू। इसमें आलू जो है पहले आलू को मैं डालूँगी, प्याज भून चुका था आलू मैं डालूँगी, उसके बाद थोड़ा मेरे चना मिलाएंगे एक मुट्ठी का चना, भुना हुआ चना थोड़ी सी मैं मिला दी। ये भूनने के बाद हल्का सा आपको भून लेना है, अब इसमें थोड़ा नमक जाएगा, ये नमक अपने स्वाद अनुसार आ दीजिए। मसाला पाउडर का जो पेस्ट बना था उसको मैं डाल रही हूँ। Thank you.
बढ़िया लग रहा है ना, इसी तरह से भूनना है और थोड़े ढक देना है। इसी तरह से ढक के भून लेना है, इसी तरह से भूनना है। इसके बाद इसी भूनते हुए मसाला से जब तेल छूटने लगे, तेल छूटने लगे तो इसी टाइम आपको इसका किया हुआ नेनुआ है इसको हमको डाल देना है। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिलाना है। मिला के इसको ढक देना है। ढकने के बाद लो को मीडियम में रखना है। देखिए नेनुआ अपना पानी बहुत छोड़ता है, देखिए इसको पूरा सुखा देना है, एकदम सूख जाएगा। इसको अब ढकना नहीं है, अब बिना ढके पकाना है। इस तरह लगभग सब्जी तैयार, आप इस तरह से भी रख सकते हैं, फिर थोड़ा सा और सुखा सकते हैं। देखिए अगर इस तरह से हो जाए तो ये हो गया है, कितना पानी था सूख गया और ये हो गया, तेल भी छोड़ दिया है, अच्छा से हो गया है। इसमें अब रोटी से खाइए, चावल से खाइए, दोनों में ये टेस्टी लगेगा। और मैं करती हूँ गैस को बंद। देखिए फ्रेंड्स मैं अपने सेंटर पहुँच चुकी हूँ 10:12 में। मैं इस टाइम अभी सेंटर में हूँ और यहाँ पे मेरा कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो मैं उसको कर लूँगी, क्योंकि एक महीने शाबान ड्यूटी पड़ता है तो हम लोग उस दौरान अपना ओपीडी का काम नहीं कर सकेंगे। तो आज मैं एक दिन का समय बचा हुआ है तो मैं उस समय को यूज़ करके वो काम को मैं कर लेती हूँ। फिर मैं कल के ब्लॉक में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।